हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लच्छी चौहान देहरादून और मेरा नाम है लच्छी चौहान। तो दोस्तों, आज मैं जो चैत वाला महीना होता है उसमें मैं आज जा रही हूँ अपनी ननद के यहाँ कलियो देने, जिसको जो हम चैत के महीने में देते हैं। आज मैंने कहा घर का कुछ स्पेशल बनाती हूँ। घर में मैंने जो है एक ठप्पा लिया हुआ है, ये वाला ठप्पा ये मैंने मार्केट से खरीद रखा है और आज मैं दूसरी बार बना रही हूँ इसी ठप्पे को। देखती हूँ बना के कैसे बनता है ये वाला। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, इस ठप्पे में पहले तेल लगाना पड़ता है, फिर इसको इसके अंदर बीच में पीसना पड़ता है। भाई निकाल। तो दोस्तों, ये तेल जिससे हम अभी इस पे ये करेंगे, तेल को इस पे लगाएंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और चिपके नहीं और चिपके आसानी से। तो दोस्तों, मैंने इसको जो है इसका आकार ठप्पे से लिया है और अब मैं जो इसे तेल में भून रही हूँ। तो तेल में इतना भूनूंगी कि इसका कलर जो है ब्राउन हो जाए, जैसे कि कुछ मैंने इधर भी बना रखे हैं, ये वाले जो मैंने प्लेट में रखे हुए हैं इनका पूरा कलर ब्राउन हो चुका है। और कुछ मैंने कच्चा मेटल यहाँ पे है जो इस तरह से है। तो दोस्तों, आपको ये दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है अभी, तो पता नहीं अभी इसका टेस्ट कैसा होगा। ये सारा ठप्पा मेरा स्वरित बना रहा है अपने ठप्पे से। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये किस प्रकार बनता है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप कितना टेस्टी। स्टार्ट। तो दोस्तों, अब हम पीस रहे हैं इसको ठप्पे पे। यहाँ मैंने कुछ ठप्पे ऐसे बना रखे हैं, इसको मैं कुछ ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रहे हैं। ज़्यादा बना के वेस्ट नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे ये देना है किसी को ना। आज हम चलते हैं अंजू की घर कंदोली। ये है जो स्वरित का बना रखा है ये वाला ठप्पा। वाह, कितना अच्छा बना रखा है। ये तो लड़की जैसा काम करता है पूरा घर को। इतना तो मम्मी भी नहीं बनाती है जितना मेरा बेटा बनाता है स्वरित। थैंक यू स्वरित, थैंक यू सो मच। जो ये मैंने इसमें कच्चे डाले हुए थे ना, इसको कम से कम 10 या 15 मिनट, जब तक ये बता देती हूँ कि जब तक ये ब्राउन ना हो तब तक इसको तेल में पकाना ही है। अभी तो ये कच्चे हैं, वो एक साइड इनका जो है कच्चा है और दूसरी साइड जो है जब ये ब्राउन हो जाएगा ना पूरी तरह से, तब मैं इसे निकाल दूँगी। इसमें मैंने जो है क्या कर रखा है, कुछ आटा लिया हुआ है। आटे में मैंने गुड़ का पानी और पूरा डाला हुआ है। नारियल के भोरा से इतना अच्छा बनता है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ये अभी बन ही रहा है, तब तक हम आपको बाहर का दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी यहाँ धूप लग रखी है, अब हम जाएंगे अपने छत पे। तो दोस्तों, पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है देहरादून की वादी। दिन में बहुत बारिश लग रही थी जिस कारण मैं अभी व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो अभी धूप लग रही है, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी व्लॉगिंग बना दूं।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं वहाँ मसूरी साइड तो मौसम साफ है, जिस साइड आप वो पहाड़ देख रहे हैं वह हमारा पहाड़ी इलाका। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा व्यू हो रहा है यहाँ से। भाई गजब का मौसम हो रखा भाई, गजब। ये तो पहाड़ के एरिया में तो दोस्तों देख रहे हैं आप इतनी तगड़ी धूप लग रखी है, क्या बताऊं। तो दोस्तों आज बनाई है मैंने अपनी सेकंड व्लॉग और नीचे बन रहे हैं हमारे कुछ पकवान। तो दोस्तों जैसे आपको बताया आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो उसी के लिए अब हम जा रहे हैं कलियों दे रहे हैं अपने बुआ के यहाँ। तो दोस्तों अगर हम जाएंगे तो वहाँ भी आपको क्या पता व्लॉग में बनाने को मिल सकता है हमें, अगर कुछ अच्छा वहाँ देखने को मिला। तो दोस्तों इसी साथ अब हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं, तो लास्ट बार हम आपको एक व्यू दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे और कितने टेस्टी बन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी नानी और ये बन चुके हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिर दे दीजिए ये अभी के गरम गरम हाथ चल रहे भाई इनको पकड़ने में। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कितने अच्छे शेप में आ रहे हैं इसके, ये है इनको भी देखना। और ये जिसकी वजह से हमने बनाया ठप्पा लकड़ी, तो दोस्तों ये लकड़ी के बन रखे हैं। ये भी तो दिखाएंगी कट करके मम्मी सब कुछ डिलीट कर देना इस ब्लॉग को। के साथ हमारा ये वीडियो एंड अप होता है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।